हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पटना में अभी धारा 144 लगा दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा ये धारा 144 का नोटिस में लिखा हुआ क्या है। ये जो लगाया काले अनुमंडल पदाधिकारी पटना सिटी के द्वारा ये कभी नोटिस जारी किया गया, नोटिफिकेशन, इसमें लिखा हुआ छात्र एवं युवा संगठनों द्वारा रेलवे भर्ती के संबंध में 29/1 से 30/1 को प्रदर्शन किया जा रहा है। यानी कि आप जानते हैं कि 29 तारीख और 30 तारीख को जो है पटना में ALP के विद्यार्थियों ने बहुत विरोध जताया ALP, क्योंकि इनकी जो वैकेंसी है बहुत कम आई है। ठीक है, आगे देखिएगा। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है कि विभिन्न टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोग जो है ग्रुप कर लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि वो धरना दे दिए हुए हैं और जगह जगह वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे आवाजाही में दिक्कत हो रही है। तो ये कहा जा रहा है कि यदि आप ऐसा करते हैं और अगर आप भीड़ जुटाते हैं रेलवे को रोकने परिचालन को, यदि आप रोकते हैं, आप किसी भी तरह का संपत्ति को यदि आप नुकसान पहुंचाता है या पहुंचाने की कोशिश करते हैं, यदि आप आगजनी करते हैं, कहीं भी आग वगैरह लगाते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे युवाओं को जुटाने के लिए संदेश प्रचारित किया जा रहा है। तो उक्त स्थिति में यदि किसी भी तरह का जान माल की हानि होती है या जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, यानी किसी तरह से डिस्टर्बेंस होती है पब्लिक को, तो वैसे अवस्था में सार्वजनिक स्थानों, चौक चौराहों और रेलवे स्टेशन पर किसी प्रकार को अनावश्यक जो है आपको भीड़ नहीं लगाना है, यानी किसी भी तरह से आपको प्रदर्शन नहीं करना है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि इसके लिए अभी धारा 144 लगाया जा रहा है पटना में, मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि रेल और सड़क यातायात को किसी प्रकार से बाधित करना दंडनीय होगा। यदि आप रोड जाम करते हैं या ट्रेन को जाम करते हैं या पटरी पर जाकर प्रदर्शन करते हैं, तो ऐसे में जो है आपके ऊपर कार्रवाई होगी। आपको धरना देना मना किया गया है। ठीक है, किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, किसी तरह का जुलूस आप नहीं निकाल सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी क्या, किसी प्रकार का भड़काऊ आप मैसेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज को प्रसारित नहीं कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। आप कहीं भी लाउड स्पीकर का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते हैं। किसी प्रकार का आप अस्त्र शस्त्र नहीं लेकर चल सकते हैं किसी पर, समझ रहे हैं ना, किसी प्रकार का सरकारी और निजी संपत्ति को आप हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करना भी दंडनीय अपराध होगा। अगर कहीं भी 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति अगर कहीं पर अगर इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो भी आपको बैन किया गया। ठीक है, और यह जो है आज 31 तारीख को यह धारा 144 पटना में लगाया गया है। धारा 144 जो है पटना में 31 तारीख को आज लगाया गया। ठीक है, और यह अगले आदेश तक रहेगा। अगला आदेश मतलब जब तक कि कोई नया नोटिस ना आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।